शहजादी, मेरा बिस्तर क्या तेरी माँ की तय करेगी? देख, वो तेरे नसीब में था कि तुझे सोने के लिए मेरे बगल में जगह मिले, समझी? कितनी बार समझाया तुझे, जब तक तू यहाँ मेरी नौकरानी बनकर रहेगी, सारा काम तुझे ही करना है। चल जा, अब पहले कपड़े धोकर आ, चल जा। जा रही है, तुम अपना काम करो, चलो कर अपना काम। जुवेनाइल हाउस, एक ऐसी जगह जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई जुर्म किया हो उन्हें सुधरने का एक और मौका दिया जाता है, क्योंकि कानून ये मानता है कि नाबालिग बच्चों को सजा देना उनके मानसिक विकास के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हिंदुस्तान में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी हो चुकी है और शायद इसी अंतर की वजह से देश भर में जुवेनाइल क्राइम्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आज आप सबको बुलंदशहर का एक ऐसा केस दिखाने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी क्या बला होती है, कैसे पेट की आग माँ जैसे विराट शब्द को झुलसा देती है और कैसे हालात की मजबूरी एक मासूम बच्ची से उसका बचपन छीन लेती है। साक्षी एक 16 साल की मासूम बच्ची थी जिसे शायद अब तक जुर्म के असली मायने भी नहीं पता थे। आखिर साक्षी क्यों इस जुवेनाइल हाउस में रह रही थी, क्यों सबके अत्याचार सह रही थी, क्यों कोई भी उस पर किसी भी तरह का हुक्म चलाता और वो बस चुपचाप सहती रहती जैसे उसे किसी का इंतजार हो। साक्षी के चुप रहने की आखिर क्या वजह थी, क्यों उसे जुर्म सहना मंजूर हो चला था, उसने ऐसा क्या कर दिया था जो वो यहाँ सजा काट रही थी, जिंदगी ने उसे इतनी कम उम्र में ऐसा कौन सा कड़वा सच दिखा दिया था। मैं शालिनी हूँ, एक रिपोर्टर। ये है मेरे परमिशन का पेपर। मैं लड़कियों के इस जुवेनाइल होम के बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगी प्लीज। मैं आपका साथ जरूर दूंगी, बस आशा करती हूँ कि आप हमारी इस जगह के बारे में कुछ गलत नहीं लिखेंगी। वैसे भी सब ये समझते हैं कि हम सुधार के नाम पर यहाँ पे कुछ और ही गोरखधंधा चला रहे हैं, जबकि असलियत में बात उल्टी है। डोंट वरी प्लीज, मैं एक रिपोर्टर हूँ, जनता के सामने सच लाना मेरी जिम्मेदारी है। एंड इन फैक्ट आपको पता है मैंने दूसरे जुवेनाइल होम के मुकाबले इस जुवेनाइल होम के बारे में अच्छी बातें ही सुनी है, इसीलिए तो ये आर्टिकल लिख रही हूँ ताकि दूसरे जुवेनाइल होम्स वाले इस आर्टिकल को पढ़ें और कुछ सीखें। चलो अच्छी बात है, आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से काम करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। डोंट वरी। हाय, कितनी प्यारी है ये, मुझे यहाँ की लड़कियों के साथ 1-to-1 बातचीत करनी है। ठीक है, जरूर कीजिए। मैं इस लड़की से बात करना चाहूंगी। उस लड़की से? पता नहीं क्यों मगर वो किसी से बात नहीं करती, आप किसी और को चुन लीजिए ना। स्टोरी बुक पढ़ना अच्छा लगता है तुम लोगों को? हाँ। यहाँ है स्टोरी बुक्स? हाँ थोड़ी बहुत है। तुम पढ़ती हो? हाँ। ठीक है, थोड़ी और मैं भिजवा दूंगी। जरूर। और तुम लोगों को यहाँ क्या क्या सिखाते हैं? हमें यहाँ कैंडल बनाना सिखाते हैं, कपड़े सिलाई करना और मिट्टी के बर्तन। सॉरी, क्या? कैंडल बनाना, कपड़े की सिलाई और मिट्टी के बर्तन। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कैंडल बनाना या मिट्टी के बर्तन? कैंडल बनाना। अरे आप लोग ये सब क्या बना रहे हो? कागज की थैली। ओह नाइस। आपका नाम क्या है? हेलो, नाम क्या है आपका? इसका नाम साक्षी है।
साक्षी या साक्षी? हाँ वही साक्षी। साक्षी, ये तो बहुत अच्छा नाम है। अच्छा लगता है आपको कागज की थैलियां बनाना? दिन की कितनी थैलियां बना लेती हैं आप? साक्षी, साक्षी, अरे आई एम सॉरी, मेरी वजह से मटका टूट गया आपका, लेकिन आप बात क्यों नहीं करती मुझसे और इतनी डरी हुई क्यों है? ऐसा क्या करती है जिंदगी ने इसके साथ? ना तो ये किसी से बात करती है या ना ही इसको देखकर लगता है कि इसने कोई जुर्म किया है। इसके बारे में मुझे पता लगाना ही होगा। मैडम, मैं साक्षी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मैं जानना चाहती हूँ कि साक्षी किस जुर्म में यहाँ लाई गई है। मुझे एक मिनट दीजिए, मुझे इसकी फाइल चेक करनी होगी। इस फाइल के हिसाब से तो साक्षी ने किसी औरत के गहने चोरी किए थे। क्या मैं ये फाइल पढ़ सकती हूँ? बेशक, जरूर पढ़िए, मगर आपको इसे बाहर जाके पढ़ना होगा, मुझे थोड़ा काम है। ऑफ कोर्स, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग मुझे साक्षी के बारे में कुछ बता सकते हो? साक्षी वो तो किसी से बात ही नहीं करती है। वो तो बस रीता से बात करती है। रीता? कौन है ये रीता? मैट्रन मैडम यहाँ की बड़ी मैडम है और रीता यहाँ की छोटी मैडम है। ये रीता कहाँ मिलेगी मुझे? वो या तो उस कमरे में मिलेगी या रसोई घर के पीछे। थैंक यू। रीता? हाँ? मैं शालिनी हूँ, एक रिपोर्टर। तो मैं साक्षी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ और वो सिर्फ तुमसे बात करती है। क्या जानना है तुझे? सब कुछ। सब कुछ? चल चल, तू रिपोर्टर होगी, अपने घर पर होगी। रीटा ना एवं किसी के लिए कुछ भी नहीं करती, समझी? चल अब जा, मुझे आराम करने दे। ये तुम्हारे लिए कुर्ती है, अपनी भतीजी के लिए लाई थी। तुम दोनों की साइज एक ही है, तुम्हें फिट हो जाएगी। बोल क्या पूछना है तुझे? जैसा मैंने कहा सब कुछ। देख, साक्षी ना किसी से भी कुछ बात नहीं करती, ना ही मुझसे, पर पता नहीं रात को कौन से डरावने सपने देखती है कि रोज चिल्लाने लगती है मां मां करके, रोती रहती है पूरा रात। मेरी नींद हराम कर देती है ऊपर से, बाहर भगाना पड़ता है उसको, तो भी आवाज आती है और मैं सो ही नहीं पाती। ऐसी है तेरी साक्षी, जा अभी उसकी इंक्वायरी करने जा। मैंने रीटा से बात की और रीटा से बात करने के बाद साक्षी को लेकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। मैं जानना चाहती हूँ कि सच में क्या हुआ है साक्षी के साथ। वो क्यों इतनी चुपचाप रहती है, क्यों किसी से बात नहीं करती, क्यों घुटघुट के इतना? आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे साक्षी के साथ अकेले में बात करनी है। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो नन्ही सी जान अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। अगर आपसे बात करेगी तो शायद हल्का महसूस करेगी। आप मुझे बता दीजिए, जब भी आपको बात करनी होगी मैं उसे आपको मिलवा दूंगी। थैंक यू सो मच। साक्षी, ये किताबें लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा, मैं दोस्ती करना चाहती हूँ तुमसे,
मुझसे दोस्ती करोगी? साक्षी, तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारी पसंद क्या क्या है, और हाँ, अपने परिवार के बारे में बोलो। सुन साक्षी बेटा, अब से तू जल्दी सोने की आदत डाल ले, क्योंकि कल से तू बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी ना। मम्मी, पिंटू भी जाएगा स्कूल? हाँ, पिंटू तेरा छोटा भाई है ना, तो कल से स्कूल में तू उसका ख्याल रखेगी, ठीक है? लेकिन मैं ख्याल रखूं? मुझे का ख्याल रखना? मेरा राजा बेटा। अरे भाई, किस बात पे इतना खिखला के सब हंस रहे हैं? बात क्या है, हमें भी तो बताओ। कुछ भी नहीं, आप चलिए मुंह हाथ धो लीजिए, मैं रोटी सेकती हूँ आपके लिए। क्या भाई, रोज तुम्हारे हाथ रोटियां खाने का, आज तो हम लोग बेटा चाइनीज खाएंगे, है ना? आ जाओ फटाफट, चलो आ जाओ। ठीक से पढ़ाई करना। हाँ जाओ, अच्छे से जाना है। बस तुम देखना, हमारे दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ लिख कर कितने बड़े आदमी बनते हैं। चलिए जाइए, मुझे नहीं खाना अपनी बेटी की कमाई की। मैं तो साक्षी के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढूंगी। अरे फिर वही पुराने ख्यालात में जी रही हो? अरे बुद्धू, आज के जमाने में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो बस अपने दोनों बच्चों के ये गरीबी की जिंदगी नहीं देखना चाहता। बस तू देखना, मैं दुगुनी मेहनत करूंगा और खूब ढेर सारा पैसे कमा कर लाऊंगा और अच्छे 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 स्कूल में पढ़ाऊंगा, ताकि पढ़ लिख कर बड़े आगे बढ़ सके। चिंता मत कर तू। कुछ तो बताओ मुझे साक्षी, अपने मम्मी और पापा के बारे में। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुम्हारी बहन या भाई? भाई है तुम्हारा? साक्षी, तूने उस लड़के को पत्थर से मारा? ये स्कूल बैग ले, अपने सिर पे रख, और तब तक अपने घुटनों पर रहे जब तक तेरे बाबूजी नहीं आ जाते। वो लोग पिंटू को मार रहे थे, तुमने तो कहा था पिंटू मेरा छोटा भैया है, उसका ध्यान रखना। अब रख रही हूँ तो मुझे ही डांटती हो। ये सजा पिंटू का ख्याल रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि आगे जाके तू किसी और लड़के का सिर न फोड़ दे। रात में नींद से चौंक कर उठती हूँ, रो रो कर अपनी माँ को पुकारती हूँ, रीटा ने सब कुछ बता दिया है मुझे, डरावने सपने आते हैं, तुम क्या देखती हो अपने सपने? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ महेश? बाबूजी, वो भैया का एक्सीडेंट हो गया। क्या? जल्दी चली। मुझे माफ कर दो, और मुझसे नहीं होगा, पर बिना किराए आपको मैं यहाँ पे और कितना दिन रहने दूँ? हमारी भी कुछ मजबूरी है, आप किराया दे दो, मैं तो मकान खाली कर दूँ। लेकिन भैया, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? 4 महीने हुए ये बात सुन के, आज तक कुछ हुआ नहीं, आप किराया दे दो, मैं तो मकान खाली कर दो, नहीं तो हमारे माथे पर पाप चढ़ेगा आपको घर से बाहर निकालने के लिए। क्या हुआ? चलो मैडम, अब बहुत हो गया, मेरे आराम करने का वक्त है। वैसे भी इस गूंगी ने अब रोना शुरू कर दिया है, कुछ बोलने वाली तो है नहीं। वैसे तू एक काम करना, कल जब आएगी ना तो मेरे लिए एक नई कुर्ती ले आना जो फैशनेबल, ठीक है? अब जा, धन्यवाद। रोना बंद कर, सो जा। गौरी, तू इस तरह से नौकरी नहीं ठुकरा सकती है। फिर आएगी मेरे पास रोती हुई, और मैं भी ना हर बार पिघल जाती हूँ। मेरी खूब बड़ी कहानी सुन। अच्छा सुन, एक काम कर, कुछ महीने के लिए ही सही, क्यों ना तू अपनी बेटी को अपने भाई के पास छोड़ दे। देख, मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ। ये ले, दूसरा नंबर दे रही हूँ। अरे ले ना, अब तू सोच ले तुझे क्या करना है, ठीक है?
साक्षी अपनी जिंदगी की शुरुआत में इतनी कठिनाइयां देख चुकी थी कि शायद आज उसका इस तरह का बर्ताव करना स्वाभाविक था। एक तरफ उसके पिता का देहांत हो चुका था, जिसकी वजह से ना तो वो स्कूल जाती थी, ना ही उसे भरपेट खाना मिल पाता था और ना ही सर छुपाने के लिए उसके पास कोई जगह थी। और दूसरी तरफ साक्षी की माँ को कोई काम नहीं देना चाहता था। वजह साफ थी, दो बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साक्षी की माँ को कोई काम पर नहीं रखना चाहता था। साक्षी यहाँ चोरी के इल्जाम में लाई गई है, लेकिन इसके पहले वो रहती कहाँ थी? शालिनी, मैं भी उस दुनिया से उतनी ही परे हूँ जितनी की ये लड़कियाँ। मेरा सारा समय यहीं पे बीत जाता है और मैं किसी की भी फाइल नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना है। मैंने तो वो आपको फाइल दी थी, आप उसी में चेक कर लो। हाँ हाँ, मैंने पढ़ी है ये फाइल, और मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें साक्षी के माँ बाप का नाम नहीं लिखा है। दूसरी बात, साक्षी जिनके घर रहती थी वो लोग कौन थे? और ये सत्या मौसम, साक्षी ने जिनके गहने चुराए थे, साक्षी इनको जानती कैसे थी? इसका जवाब तो खैर साक्षी ही दे सकती है, या फिर सत्या मौसी। सत्या मौसी से तो मैं बात करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं मुझे साक्षी से बात करनी होगी। साक्षी, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी, मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि ये सत्या मौसी कौन है जिसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की है कोई कुछ गहने चुराने की। साक्षी, क्या ये? मेरे सवालों का जवाब दो साक्षी। इस तरह चुप रहने से तुम्हें इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। चुप रहना कोई सोल्यूशन नहीं है साक्षी। मैं कब से तुम्हें पूछे जा रही हूँ और तुम होके? या तो मैं ये मान लू कि तुम सचमुच अपनी जान बचाने के चक्कर में ये सब कर रही हो। चोर हो ना तुम, चोरी की है तुमने। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। मैं मानती हूँ साक्षी तुम चोर नहीं हो, लेकिन जब तक तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अपनी माँ से मिलने का मन नहीं करता, अपने परिवार को देखना नहीं है फिर से तुम्हें? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ साक्षी, जिसकी वजह से तुमने इस नरक भरी जिंदगी से समझौता कर लिया है? बोलो कुछ। रोती रहो तुम और रो, मैं जा रही हूँ, जिंदगी भर होती रहना, ठीक है? मैं अपने परिवार के साथ रहती थी। एक मिनट, मेरे बाबूजी की एक हादसे में मौत हो गई, तब मैं 8 बरस की थी, स्कूल भी जाती थी तब। लेकिन उनके जाने के बाद मैं, मेरा भाई, मेरी माँ सड़क पर आ गए। मेरी माँ काम की तलाश में थी, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग किसी का जूठन, किसी का फेंका हुआ खाकर हम अपना पेट भरते थे। फिर एक दीदी आई, उन्होंने माँ से कहा कि वो उन्हें काम दिलाएगी, लेकिन वो हर रोज रात को माँ को कुछ ना कुछ बोलकर जाती और माँ बहुत रोती। फिर एक दिन, कितने बच्चे हैं तेरे? एक। साक्षी बेटा, तू रुक सामान के साथ, हाँ मैं अभी टिकट लेके आती हूँ। वहीं खड़े खड़े रोती रही, लेकिन माँ ने एक बार भी पलट के नहीं देखा, ये सोचकर कि मैं उन पर बोझ हूँ। उन्होंने मुझ में और मेरे भाई में से मेरे भाई को चुना। यही जानना चाहती थी ना तुम? हो गई खुशी जान के? आपको कहानी लिखनी है ना कि कैसे 8 साल की बच्ची को उसकी माँ ने बस स्टैंड पर छोड़ दिया? कौन सी माँ ऐसा करती है? दुनिया की सारी माँ ऐसी होती है ना, वो अपने बुढ़ापे के सारे अपने बेटे को लेकर गई, लेकिन मुझे नहीं, मुझ बोझ को नहीं। हमारे देश में आज भी लड़कियां सर का बोझ मानी जाती हैं। जरा सोचिए,
साक्षी के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी जब इतनी नाजुक उम्र में उसकी माँ ने उसे अकेला बेसहारा छोड़ दिया। ये बात सच है कि उस वक्त साक्षी की माँ मजबूरियों में घिरी हुई थी, पर एक कड़वी हकीकत ये भी है कि साक्षी की माँ को पिंटू ज्यादा प्यारा था। ये बात समझ से परे है कि कैसे साक्षी की माँ इस कदर टूट गई और कैसे उसने मजबूरियों के आगे अपनी बेटी को अपने से अलग कर दिया। क्या साक्षी को साथ रखकर उसकी माँ रोजगार या फिर आजीविका का कोई साधन नहीं जुटा सकती थी? कैसे कोई माँ इस कदर अपने दिल को पत्थर बना सकती है? भाई रुक जाओ, मुझे गले लगाने की जरूरत नहीं है, मैं रो रही हूँ, लेकिन इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चली जाओ यहाँ से, मुझे गले लगा कर मेरा दर्द और मत बढ़ाओ। जी मुझे माफ कर दो प्लीज, अपनी पूरी जिंदगी बस इसके लिए तरसती रही, कोई तो मुझे भी अपने सीने से लगाए, कोई तो मेरा रोना सुनकर मेरे पास आए, बस अब और नहीं रोंगी मैं, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। रख दे, मैं खुद धो लूं। नहीं, मैं तुम्हारी नौकरानी हूं ना, तो मुझसे वैसे ही बर्ताव करो, समझी? और क्या जानना है तुम्हें? यही कि तुम्हारे साथ फिर क्या हुआ? मौसी, मौसी, अरे ईद देखो हमारा साथ कौन आवा है? हमारी छोटकी बहन साक्षी। साक्षी, ये है हमारी सत्या मौसी। नमस्ते करो। नमस्ते। और ये है इनके बच्चे बिट्टू मुन्नी, और आज से तुम सब है दोस्त। हाय बिट्टू, बोलो दोस्त। मौसी, आज से साक्षी हम लोग के साथ ही रहे। अरे लेकिन हमारे साथ क्यों? मौसी हमारी छोटकी बहन है। चलो हाँ, इसके लिए भी। अरे मौसी खाना लगाओ इसके लिए भी यार। चलो बैठ 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 बैठ, कल से तुम स्कूल जाओगी। सच? अरे सच नहीं तो क्या झूठ? हेमंत भैया तुमसे कभी झूठ बोलते हैं? हाँ? अरे अब ई स्कूल का फिजूल खर्च काहे लिए कर रहे हो? अरे मौसी जब तक बन सकता करेंगे। अरे हमारी बहन है ही, हाँ? साक्षी छोटकी बहन है हमारी। बस बहुत हुआ ये भाई बहन का प्यार, अब तो इस लड़की को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सभी कुछ बहा ले जाए। हेमंत भैया मुझे खुशी देते तो मौसी सौ दुख। मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि मैंने मौसी का क्या बिगाड़ा था कि वो हमेशा मुझसे गुस्सा रहती। मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैं उनके सारे काम करती, लेकिन फिर भी वो मुझसे नफरत ही करती। हेमंत भैया ये हमारी पांचवी राखी है। अरे बाप रे, हमको तो पता ही नहीं चला। अच्छा हमारी सुंदर साक्षी बहनिया को ये पांचवी राखी पर क्या चाहिए? बस आप हम सबको बाहर घुमाने ले चलो। और इतनी छोटी सी बात, अरे कुछ अच्छा मांगो। नहीं वो ही चाहिए। अच्छा ठीक है, कल पक्का। मैं मुन्नी और बिट्टू को बता कर आती हूँ। मौसी, मौसी वो जो हमने ड्राइवरी का नया धंधा शुरू किया ना, उसके सिलसिले में हमको 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। कुछ पैसे रख लो, बच्चों का ख्याल। ठीक जाओ जाओ, हम आते हैं 4-5 दिन। अरे सुन साक्षी, जरा वो स्टेशन के पास वाली दुकान से घी लेके आ जा, घर में खत्म हो गया। ठीक है जाती। ये ले पकड़। ये बाजार जाएगी तो सही, लेकिन वापस नहीं आएगी। ये रही। नेलरजी रुक जा। यही है साहब, यही है जो मेरे गहने चुरा के जा रही थी। क्या तुमने चोरी की है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे हम कह रहे हैं ना किसी ने चोरी की है। ये इसका थैला देखिए। ये रहे मेरे कंगन। ये क्या है सब? नहीं सर, मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ। चलो ले चलो उसे।
मुझे साक्षी के FIR की कॉपी मिल सकती है? देखिए मुझे अलाउड तो नहीं है, पर एक मिनट। ये लीजिए। कोई है? हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम हेमंत है? जी हाँ। क्या आप किसी साक्षी नाम की बच्ची को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी बहन है वो। आप जानती हैं क्या उसको? कहाँ है वो? क्यों आपको नहीं पता? कहा है मैडम जी कि हम वो वक्त यहाँ थे नहीं जब उसकी अम्मा उसको खोजते खोजते यहाँ आई थी। बहुत दिन हो गया उसको देखे बिना। लगता हेमंत भैया को भूल गई हूँ। हेमंत जी, साक्षी एक जुवेनाइल होम में है। जुवेनाइल होम का मतलब समझते हैं आप? बच्चों की जेल। क्या कर रही हैं आप? और कोई सत्या मौसी है जिसने उस पर गहने चुराने का इल्जाम लगा दिया है? मौसी तुम क्या कर दिया तुमने? अरे तुम्हारे भरोसे छोड़कर गए थे हम उसको। इतनी घटिया औरत निकली तुम। ए मैडम जी, अरे हम तो बहुत बड़का भूल हो गया। हम साक्षी से मिलना चाहते हैं अभी। कृपया करके हमको साक्षी के पास ले चलिए बहन जी। चलिए। सब ठीक हो जाएगा, तुम जाके बोलो। मेरी बहन जैसे अगर तुमको इस तरह थोड़ी ध्यान रखता है बहन। साक्षी देखो तो कौन आया तुमसे मिलने? हमने देखा हेमंत भैया तुम्हारे साथ आए हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना, हमें तुमसे भी नहीं मिलना। साक्षी हम जानते हैं कहाँ मिलेगी हमको, कहाँ मिलेगी हम जैसे घटिया इंसान से जिसने एक बार ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी अम्मा रहती कहाँ है। बस ये संतुष्टि करके बैठ गए कि हमारी बहना अपनी अम्मा के साथ है। मैडम जी अब हमको नहीं मिलना चाहिए उससे। इतने सारे वादे किए, अपने वादा तोड़ दिए, नहीं मिलना चाहिए उससे। लेकिन भले वो हमको मिले या ना मिले वो एक चीज जरूर देके जाएंगे, एक वादा जरूर पूरा करेंगे। साक्षी आज हम तुमको वचन देते हैं कि जिंदगी में तुमको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हाँ मेरी स्वीट बच्ची। अरे वाह, तू तो हीरोइन बन गई। ये तो बहुत नसीब वाली है। सुन साक्षी, साक्षी आपसे कोई मिलना चाहता है, चलो मेरे साथ। मुझे किसी से नहीं मिलना है। मेरी बात सुनो, इस बार मेरी खातिर एक बार मिल लो, मेरी बात मानो प्लीज। चलो साक्षी, ये मिस्टर और मिसेस शर्मा है और ये साक्षी है। इन्होंने तुम्हारी कहानी पढ़ी और ये चाहते हैं कि तुम इनके घर इनकी बेटी बनकर रहो, और ये लोग तुम्हें वो सारे सुख और सारी सुविधाएं देना चाहते हैं जिनकी तुम हकदार हो। गोद लेना चाहते हैं तुम्हें साक्षी। साक्षी
तुमने क्या सोचा है साक्षी? मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कोई परिवार नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर तो सब लोग मुझे छोड़कर ही जाते हैं ना। मुझे नफरत है प्यारों परिवार से। अरे साक्षी प्लीज इस तरह मत सोचो, हर कोई ऐसा नहीं हो, वो लोग तुम्हारा दुख समझते हैं इसलिए तुम्हें गोद लेना चाह रहे। और हाँ, ऐसा करके वो लोग तुम पर एहसान बिल्कुल नहीं कर रहे, उनको भी अपना परिवार पूरा करना, तुम्हें वो अपनी बेटी बनाना चाहते हैं साक्षी। बहुत नसीब वाली हो साक्षी। I'm so sorry, वो नहीं आना चाहती। बस एक बार उसे तुम मेरे घर ले आ सकती हो। मिस शर्मा, मैं जानती हूँ कि साक्षी का जवाब नहीं होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। साक्षी को प्यार और परिवार जैसी चीजों से डर लगने लगा था, और उसका ये डर स्वाभाविक था। उसका खुद का एक परिवार था, एक माँ, एक बाप, एक भाई, और वो खुश थी। लेकिन उसकी खुशी का अंत कुछ इस तरह हुआ कि उसकी अपनी माँ ने उसे दर बदर ठोकर खाने के लिए एक बस स्टॉप के बाहर छोड़ दिया। फिर उसकी जिंदगी में हेमंत आया। हेमंत ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया, उसे ये आश्वासन दिया कि उसे भी एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है। लेकिन वो प्यार, वो दुलार उससे छीन लिया गया। उसे चोर बनाकर एक जुवेनाइल हाउस भेज दिया गया, जहां पर ना तो कोई उसे जानता था और ना ही कोई उसे जानना चाहता था, और वहां उसके साथ सिर्फ अत्याचार ही हुए। साक्षी ने ये सब कुछ 16 साल की छोटी उम्र में ही देख लिया था। फिर वो कैसे खुद को इस बात के लिए तैयार कर पाती कि कोई अनजान परिवार उसे अपने परिवार में शामिल करना चाहता है। नमस्ते, आइए आइए, अंदर आइए, आओ साक्षी। वो पूजा की है। चलो आओ, मैं तुम्हें उसका कमरा दिखाती हूँ। आओ आओ साक्षी, ये देखो, ये उसका कमरा है, ये उसकी किताबें, ये उसके कपड़े हैं, और ये सब उसी की ट्रॉफियां हैं। ये उसे अपने स्कूल के एनुअल डे पे मिली थी। खाने में तो उसके इतने नखरे थे कि बस, कभी कहती थी पिज्जा खाना है, कभी कहती थी मोमोज खाने, कभी कहती थी ये ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस चाहिए, ये मैचिंग स्कर्ट चाहिए, सब कुछ सामने होता था। लेकिन नहीं, उसे तो मुझसे ही पूछना था, और जब मैं गुस्सा होती थी तो मेरे गले से लिपट कर बोलती थी, अभी आपको परेशान करने में बहुत मजा आता है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है। 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में बेटी, मैं जानती हूँ कि अपनों का दुख क्या होता है, मैं बेटी के लिए तरस गई हूँ, मैं अपनी पूजा को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। क्या तुम मेरी बेटी लौटा सकती हो? साक्षी को एक नया परिवार मिल चुका था, लेकिन क्या हमारे देश में हर उन बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं? क्यों नहीं हो सकता? बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छा वातावरण देंगे तो ही वो हमारे देश को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। हमें साक्षी के नए माता पिता यानी कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जैसे लोगों को और प्रोत्साहन देना चाहिए, और एक ऐसी सोसाइटी की शुरुआत करनी चाहिए जहाँ पर फिर किसी माँ को अपना बच्चा गरीबी और लाचारी की वजह से कहीं छोड़ना ना पड़े। हमें बस इसे आगे बढ़ाना है। इस देश में ये मुमकिन तभी हो पाएगा जब हम और आप एक साथ इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे।
अब मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।